गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान साधना प्रतिष्ठान परभणी। मैं डॉक्टर मणिशंकर कुमार ले चल रहा हूँ आपकी फाउंडेशन क्लास की ओर। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के बारे में बताया, एडवांटेज बताया, और अभी सिर्फ और सिर्फ आपका टेंथ क्लास को मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू यूज द कंसेप्ट ऑन राइट पोजिशन सिखा रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑन राइट पोजिशन सिखा रहा हूँ। अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम उसको दूर करेंगे कि मैथमेटिक्स कितना सिंपल पेपर है, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट नहीं है, अपने आप में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और बनाएंगे। आप बना रहे होंगे तो बन रहा होगा, आपके पास आरडी शर्मा बुक होगा तो इसमें सिंपल सा दिया होगा तो आप बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आगे की ओर, ठीक ना। तो आज स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है कि साइन रेस टू फोर थीटा प्लस कॉस रेस टू फोर थीटा बाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पूछ रहा है बच्चा इज वन टू थ्री फोर। देखिएगा, एयर फोर्स ने वी फोर्स एनडीए आईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोल ज्यादा है। तो आप यहां पे आओ बच्चा, और एक फॉर्मूला जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये पता है। तो अगर मैं बोल दूं ए पे पावर फोर प्लस बी पे पावर फोर, तो क्या कहोगे सर जी? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना। तो इंप्लीमेंट करो, इंप्लीमेंट कीजिए इसमें। तो आप लगा दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, याद है, क्लियर। तो बच्चा इसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन बच्चा क्या बच गया? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बी केयरफुल, सावधानी बरतनी है। अब बताइए कि कुछ अलग तो मैंने लिखा नहीं, और एक फॉर्मूला सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? व्हाट? परसों इसके प्रूफ तो वन होता है, यानी ए बहादुर दिखना, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है, है ना। तो ये दोनों में दोस्ती हुई, प्रेम हुआ, और घर से फरार। तो एक ही रिजल्ट आया कि दोनों ने घर भाग दिया, घर से उड़कर भाग गया। रिजल्ट क्या दिया बच्चा? तो वन, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे। जो प्रूफ वाला है हम उसको ऑप्शन देते चलेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। राइट डाउन, आइए एक और बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन पे पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस पे पावर सिक्स थीटा अपॉन ले लेते हैं बच्चा, है ना, उठा ले इसको। वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज दे देते हैं बच्चा वन टू थ्री एंड फोर्थ वन इज नन। देखो बहादुर, कुछ करेंगे नहीं अपन, है ना, कुछ नहीं करेंगे, जो बचपन से जानते आए वही काम करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू कौन नहीं जानता है? तो बोलोगे ना कि ए प्लस बी इंटू सर जी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, चलेगा ना, बहुत ही अच्छी बात अगर ये चल रहा है तो, ठीक है। तो अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पे ब्रेक करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, एम आई राइट? और नीचे जो है उसको एज इट इज छोड़ रहे हैं, नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, है ना। वैसे भी लाइट में देखना तो नीचे गिरा हुआ उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, उठा लीजिए इसको।
तो क्या बोलोगे, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, है ना, ए प्लस बी हो गया इनटू, देखो बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे वाले को मैंने क्या बोला कि कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना, कीचड़ में ढेला नहीं मारना है। तो क्या हो गया, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ब्रदर, इसका क्या हो गया वन। अब अगर आप समझदार हैं तो इस दोनों का लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब लगा देते हैं बेटा अपने पास, देखिए तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस बच्चा टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, पूरा एक ही जैसा कैंसिल, आंसर क्या दे दिया वन, ठीक है। तो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, अब कह रहा है कि इनोवेटिव आइडिया लगाना है, क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बन सकता है, हम उसको निकालेंगे और सारे बचपन की कहानी लिखनी है, ठीक है ना। तो जो आप पढ़े हैं हम उसको निकालेंगे और आपको कलात्मक बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ठीक है बच्चा, अब आ जाइए। अब देखिए कि अपने पास साइन देखो, एक सिंपल सा सवाल है कि कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, इच हम ले लेते हैं बच्चा, इच क्या ले लेते हैं, देखिए, या इज हम दे देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन देखना बेटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समझ रहे हो ना, प्लस यहां से हम क्या लिख देंगे बच्चा, यहां से क्या लिख देंगे, तो देख लीजिए कि अपने पास कॉट थीटा, ठीक है। तीसरा देख लीजिएगा बच्चा अपने पास कि हम क्या लिख लें यहां से, तो वन बाय सेक थीटा और प्लस बच्चा कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, एंड फोर्थ वन नन, फोर्थ वन क्या दे दिया बेटा नन, ठीक है। तो बड़े सिंपल सा सवाल हमारा है, आप सबसे पहले एक बचपन में पढ़े होंगे रेशलाइजेशन की बात सुने होंगे, रेशलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर के अपोजिट सिंबल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना जाने होंगे, यही ना, चलो लिख दो, तो ऊपर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, है ना, नीचे वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर देखो कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कीजिए इस भाई साहब को, तो कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी अब ये क्या दे दिया बच्चा, तो ये देखिए कि कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन है नहीं तो नन, ठीक है, आई होप अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, लिखिए बच्चा, है ना, नोट डाउन। ठीक है, आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी में देखिएगा बच्चा कि साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, चले इज दे देते हैं, है ना, तो यहां से बच्चा कॉसेक